الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم यह सरा बकरा है और दूसरा पारा चल रहा है और सोरा बकरा की आयत नंबर एक सौ तिरासी और एक सौ चौरासी है अल्लाजल फ़रमाते हैं कि या यूह लजीना आमन ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था लाअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए अय्याम माधुदा ये रोज़ा चंद दिन गिनती के दिन हैं फमन का नवीन को मरीदन अवाला सफर तो जो कोई आदमी तुम में से बीमार हो या सफ़र पर हो फायद तुमन अयामिन उखर तो वो उसको चाहिए कि दूसरे दिनों की गिनती पूरी कर ले वालन यून नहू फतम मस्किन और वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत भी रखते हों उनके ज़िम्मे फिदिया है एक मस्किन को खाना खिलाना हम तब खेरफेर और जो आदमी भी कोई भलाई का काम करे दिल की खुशी के साथ तो उसके लिए बेहतर है व अनतसुम खैरकम अगर तुम रोज़ा रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है इन गुन तुम तमाम अगर तुम जानते हो तो इन आयात के अंदर अल्लाह अल्ह जला जला ने रोज़े की फ़र्जियत को भी बयान फरमाया और रोज़े की हमत भी बयान फरमाई और रोज़े के कुछ तफसीली अहकाम भी अल्लाह जलाजला सूर्य बकरा के इसी रुकू के अंदर आठ आयत के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है, जिन में से दो आयत ये तो अल्लाह जलाज जल जल फरमाते हैं क्या ईमान वाले तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था श्याम किसको कहते हैं श्याम रोज़े को कहते हैं को कहते है। और अरब के जो लोग थे मक्की ज़िंदगी के अंदर वो असल में सोम और रोज़े को नहीं जानते थे इसके आदि नहीं थे खुद रोज़ा नहीं रखते थे बाकी इबादात तो करते थे यानी जमाना जहलीत में भी वो तवाफ़ करते थे बैतुल्ला का सफ़ा मरवा के दरमियान साइल करते थे और इसी तरह के और भी बहुत से काम उनके वो करते थे लेकिन सोम से वो आशना नहीं थे हाँ क्योंकि उनका काम जो था वो गारत था और डाके डालना था और लड़ाई झगड़े था जंगें करना उनका काम था तो उसके अंदर सबसे जो मौसर तरीन जरिया और हथियार था उनके पास वो घोड़े थे तो वो घोड़ों को लड़ाई के लिए जंगों के लिए तैयार करते थे और उस तैयार करने के सिलसिले में उनको भूखा भी रखते थे प्यासा भी रखते थे और गर्मी और सर्दी के अंदर भी उनको रखते थे और ख़ुद जब वो लड़ाइयों में शिरकत करते थे और सख्त गर्मी के अंदर लड़ाइयों में शिरकत करते थे और घर अरब की गर्म लू और हवा चल रही होती थी तो उस वक्त में भी वो अपने चेहरों पर तो डाट डाल लिया करते थे नकाब जो है ओढ़ लिया करते थे अपने चेहरों को गर्मी की लू से बचा लिया करते थे लेकिन घोड़े का रुख जो होता था वो गर्मी की लू की तरफ ही होता था इसलिए कि ये घोड़ा लड़ाई के लिए जंग के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि ऐन लड़ाई के वक्त में ये हिम्मत हार जाए और हमारे लिए परेशानी और नुकसान का बायस बन जाए तो जिस घोड़े को इस तरह से तैयार किया जाता था उसको घोड़े को साइम कहते थे ये तो ये यानी उनके लिए घोड़े के लिए इस्तेमाल करते थे ये तो क्योंकि आगे चल के जो आयात जब हज़ूर मदरी ज़िंदगी में गए तो मदीना के लोग जो है वो यहूदी वहाँ रोज़ा रखा करते थे और यानी दस मुहरम का रोज़ा रखते थे तो हजूर अल सात ने भी फिर मैं हम भी दस मुहरम का रोज़ा रखेंगे क्योंकि हू सतु उसम के ज़्यादा करीब हैं तो और उसके बाद फिर शुरू में दस मुहरम का रोज़ा था फिर हज़ूर सात उसम ने हर महीने के जो तीन दिन हैं अयाम बीस इनके रोज़ों का तरगीब दी और साहबा को फरमाया कि ये रोज़े रखा करो हजूर खुद भी रखते थे और साहबा भी ये रोज़े रखते थे अयाम बीस के रोज़े हर महीने के तेरह चौदह पंद्रह जो है चांद के एतबार तारीख़ें हैं इन में रोज़ा रखते थे और फिर जो है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो रमज़ान के रोज़ जो फ़र्ज हुए तो अल्लाह ताली ने उसका तस्करा यहाँ फरमाए और आगे चल के क्योंकि अगले रुकू के अंदर जिहाद का जिक्र है के ताल का जिक्र है कुफ़ार से जंग का ज़िक्र है तो उसमें क्योंकि आदमी को आदमी की माल भी लगता है आदमी का और आदमी की जान भी इस्तेमाल होती है और जिहाद में भूख भी लगती है प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ती है गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है सर्दी भी, भी बर्दाश्त करनी पड़ती है उससे पहले अल्लाह जिला जला, जला यहाँ सोम का रोज़े का जिक्र फरमाया है ताकि ए मुसलमान तो जब इस रमज़ान के महीने के अंदर रोज़े रह कर तो इसके लिए तैयार हो जाएगा भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदि होगा तो आगे फिर जिहाद के अंदर भी तू ये कर सकेगा इसलिए उससे पहले अल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र फरमा दी जिहाद से पहले रोज़े का जिक्र आ गया तो रोज़े के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस तरह से ए मुसमानों तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है इसी तरह से तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज किया गया था और ये इसलिए फरमा दिया कि रोज़ा क्योंकि थोड़ी उसमें मशक्क़त होती है भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है गर्मी होती है तो ये क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ये मुश्किल काम जो तुम्हें लग रहा है ये सिर्फ तुम्हारे ज़िम्मे नहीं लगाएगा तुमसे पहली उम्मतों के जिम्मे भी लगाया गया है ये इसलिए फरमाया गया, गया ताकि तो क्योंकि जब कोई मशक्कत और कोई मुश्किल काम बहुत से लोगों के जिम्मे होता है तो फिर एक दूसरे को देख कर उनमें वो सहार पैदा होती है और उसका बोझ जो है कम हो जाता है और मशक्कत कम महसूस होती है इसलिए फरमा कि ये जो तुम जिसको बोझल ना समझना सिर्फ तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है तुमसे पहले लोगों के ज़िम्मे भी ये था आगे अल्लाह ताला रोजा जो है इसका फ़लसफा और इसकी हिकमत ये बयान फरमाई है फरमाकून ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए तो रोज़े के नतीजे में तकवा आदमी के अंदर पैदा होता है तकवा किसको कहते हैं तकवा कहते हैं कि इंसान के दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि कल क्यामत के दिन मैंने अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है और उसके सामने हिसाब किताब देना है तो उस आखरत को सामने रख के ये आदमी दुनिया की जिंदगी गुजारे अल्लाह के सामने जवाबदेही का जो खौफ और तवज्जो है देहान है ये आदमी के दिल में पैदा हो जाना ये तकवा है तो फरमाया रोजे के जरिए से ये बात तुम्हारे अंदर पैदा होगी क्योंकि इंसान जब भी कोई गुनाह करता है अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो अपनी ख्वाहिशात शाहवात की वजह से करता है तो शाहवात में बढ़ते बढ़ते फिर अल्लाह की नाफरमानी की हदूद के अंदर दाखिल हो जाता है तो रोजा रखने के जरिए से रोजे के अंदर क्योंकि आदमी के ऊपर जायज चीजों की भी पाबंदी लगती है दिन में खा नहीं सकता हर खाने को भी हराम कर दिया गया और इसी तरह से पी नहीं सकता और दिन के वक़्त में अपनी बीवी से अपनी जायज़ ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकता तो ये पाबंदी जो लगाई गई है ये हलाल चीज़ें रोज़े की हालत में छुड़ा कर ये हराम से बचने की इस्तेदाद और उसका एक कोर्स कराया जा रहा है कि इसके अंदर हराम से बचने की इस्तेदाद और कुत पैदा हो जाए जब हलाल से अल्लाह का हुक्म समझ के हलाल को छोड़ेगा तो इसके नतीजे में फिर हराम से भी ये अपने आप को बचाएगा तो इसलिए फरमाया कि रोज़ा जो तुम्हारे ज़िम्मे फर्ज किया गया है ये इसलिए किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए आगे और आसान करने के लिए फरमाया कि अम मादूदात ये रोज़ा जो है कोई लम्बा चौड़ा अरसा नहीं है चंद दिन गिनती के दिन हैं और ये गुजर जाएंगे और फिर दोबारा वही खाने पीने की तरतीब जो तुम्हारी दिन की थी वो शुरू हो जाएगी आगे फरमाया के मन काना इनको मरीज जो कोई आदमी तुम में बीमार हो और इसी तरह अवला सफर या सफर पर हो तो वो फिर ये नहीं बीमारी की वजह से सफर की वजह से उसको छूट है कि रोजा नहीं रख सकता तो वो क्या करें फायद आया अमिन उखर दूसरे दिनों के अंदर वो इन रोजों की कजा कर सकता है यहां फरमाया जो कोई तुम में से बीमार हो तो बीमारी से मुराद जो है वो आम बीमारी नहीं कि नज़ला है ज़ुकाम है हल्का सा बुखार है थकावट हुई हुई है तो आदमी ये कहे कि मैं बीमार हूँ लिहाजा मैं आज रोज़ा नहीं रखता तो ऐसी बात नहीं है बीमारी से मुराद यह है कि बीमारी कोई संजीदा बीमारी हो कोई ज़्यादा तेज़ बीमारी हो जिसकी वजह से आदमी की जिसमें नकाहत और कमज़ोरी आ गई हो तो उसकी वजह से रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं हो रही तो फिर गुंजाइश है कि रोज़ा न रखे आदमी और जब सेहतमंद हो जाए उस वक़्त रोज़ा रख ले और इसी तरह से यह बीमारी रोज़ा रखने के नतीजे में बीमारी लंबी हो जाएगी बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर भी गुंजाइश है कि रोज़ा ना रखे और ये फैसला खुद ना करे आदमी किसी अच्छे माहिर तबीब से डॉक्टर से के मशवरे से फिर इस पर अमल करे अगर वो कहे कि रोज़ा रखना आपके लिए नुकसानदेह है तो फिर आदमी रोज़ा ना रखे और जब सेहतमंद हो जाए उस वक्त रखे इसी तरह सफ़र से मुराद यह है ऐसा नहीं है कि आदमी जो है दो चार किलोमीटर के लिए सफर पर जा रहा है दस किलोमीटर सफर पर जा रहा है बीस किलोमीटर सफर पर जा रहा है थोड़ा ज़्यादा तो ऐसा नहीं कि अभी सुरज में बस उसको छुट्टी मिल जाए कि वो रोज़ा ना रखे सफ़र से मुलाद आ सफर फरमाए यानी तुम सफर पर सवार हो तो सफ़र यानी मोतद भी सफ़र होना चाहिए वो कितना सफ़र हो तो अल्लाह के नबी ने और जो है हदीस के अंदर उसको मुतिन फरमा दिया कि वो यानी इतना सफ़र हो कि तीन दिन तीन रात का सफर हो यानी यानी 77 किलोमीटर या अड़तालीस जो है मील के फासले पर आदमी जाए और इतना सफर के लिए से घर से निकले तो मुसाफिर हो अपने इलाके से निकले तो मुसाफिर हो जाएगा और फिर उसके लिए गुंजाइश है कि वो रोजा ना भी रखे लेकिन जब मुकीम हो जाएगा वापस आ जाएगा तो फिर रोजे रखने पड़ेंगे यहाँ फिर मैं फायदे तो मैं अमिर खौर तो यहाँ ये भी मालूम हुआ कि वो जब ये बीमार या मुसाफिर आदमी इनको बाद में इतने दिन मिल जाते हैं कि जितने इन्होंने रोज़े नहीं रखे और इतने दिन बाद में इनको मिल जाते हैं इनकी ज़िंदगी इतने दिन रहती है तो फिर उतने दिन के रोजे इनके ज़िम्मे होंगे अगर वो सेहतमंद हुआ और फिर फ़ौर ही किसी दूसरी बीमारी भी, से फोत हो गया तो अब उसके ज़िम्मे नहीं इस तरह सफ़र से कोई आदमी मुकीम हुआ सफ़र में रोजे नहीं रखा और मुकीम होते ही वो फोत हो गया तो फिर अब उन रोज़ों का यानी फितिया वगैरह उसके जिम्मे नहीं होगा और फिर ये रोज़े जो बीमारी या सफर की वजह से छूटे हैं लगातार रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है यानी जितना आसानी से हो जल्दी हो सके उतना कर ले और फिर तरतीब से आदमी रोज़ों को रख ले लगातार भी रखना जरूरी नहीं है मुसलसल भी रखना जरूरी नहीं है फ़ौर भी रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन एहतियात यह कि जल्दी जितना हो सके आदमी रख ले आगे फरमाया कि वालय तमाम मस्किन के जो आदमी रोज़े की ताकत रखता हो उसके ज़िम्मे हैं कि फिदिया है वो फिदिया कितना है एक मिसकिन को खाना खिलाना ये असल में शुरू में था क्योंकि शरीत के जो अहकाम हैं ये तदरीजन आए हैं आहिस् आहिस्त जो है वो नाजिल हुए हैं क्योंकि जो उस वक्त का माशरा था वो बहुत जगह बिगड़ा हुआ था अब उस माशरे को सुधारने के लिए तसलसल के साथ आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन अहकाम दिए गए तो रोजे का हुक्म भी तदरीजन हुआ था तो शुरू में जब रोज़े का हुक्म अल्लाह तुह दिया तो उसमें यह भी इजाज़त थी कि जैसा सफ़र की वजह से नहीं रखता या बीमारी की वजह से नहीं रख सकता इसी तरह एकामत में और बग़ैर बीमारी के भी जो आदमी रोज़ा नहीं रखता तो वो फिदिया दे, दे तो ये फिदिया रोज़े का बदल हो जाएगा लेकिन ये शुरू में हुक्म था लेकिन बाद में अगली जो आयत आ रही है उसके अंदर ये हुक्म मनसूख हो गया है लेकिन लिहाजा अब हुक्म यही है कि जो आदमी सेहतमंद है मुकीम है उसके ज़िम्मे उसको रोज़ा ही रखना पड़ेगा वो फिदिया वगैरह नहीं दे सकता फदिए का हुक्म जो है वो ऐसे आदमी के लिए है जो बूढ़ा हो शेफानी हो जो ऐसा बीमार है कि उसको सेहत की उम्मीद नहीं है इतना बूढ़ा हो चुका है कि कमज़ोर हो चुका है कि वो रोजे रख ही नहीं सकता और आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं कि रोज़ा रख सकेगा तो ऐसा आदमी फिर रोज़े के बदले में दे सकता है आगे फरमाया कि अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर और फरमा मंद तबाखिरन तो कि जो आदमी बेहतर नेकी का काम करे कोई भलाई का काम करे दिल की खुशी के साथ तो ये उसके लिए बेहतर है तो ये से फरमा रही है कि एक रोज़े का फिर तो एक ही बंदे को खाना खिलाना है लेकिन अगर कोई ज़्यादा खिलाना चाहता है दो बंदों को खिलाना चाहता है तीन को खिलाना चाहता है उसके बाद वस्तु है तो वो खिला सकता है जितना भलाई का काम करेगा ये उसके लिए बेहतर है और आखिर में आखनफ़ैरक तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है तो बहरहाल इन आए, इस इन दो आयतों के अंदर अल्लाह सुहा ने एक तो रोजे की फर्जियत को जिक्र किया दूसरा रोज़े की हमत को जिक्र किया और तीसरा जो बीमार हो या मुसाफिर हो रोज़ा नहीं रख सकता तो उसके लिए इजाजत दी है कि वो उसके बदले में बाद में जब सेहतमंद हो जाए या इसी तरह मुसाफिर जो मुकीम हो जाए तो उसके बाद वो रोज़ा रख सकता है उसको रखना पड़ेगा अल्लाह सुबहान तबल की तोफ़ी नसीफ़ी